आज बात करेंगे। साहब वेलकम है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब भाई फर्स्ट ये बताओ कि आपके इलाके में आपका अपना जो ग्राउंड है कैचमेंट एरिया में, वहाँ आप लोगों ने टर्फ क्रिकेट शुरू किया। जी बिल्कुल, काफ़ी खुशाइन बात है कि यहाँ पे टर्फ विकेट हमने ले आउट किया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम इसलिए आए कि हम लोगों को बताएं कि असली क्रिकेट टर्फ पे खेला जाता है, और काफ़ी लड़कों को पता भी चलेगा कि जब वो क्रिकेट टर्फ मैटिंग को छोड़ के टर्फ पे खेलेंगे उनको काफ़ी फ़र्क लगेगा। तो ये काफ़ी खुशाइन बात है, ईदगाह में ये टर्फ विकेट बन रही है, काफ़ी खुश भी हूँ। मैं अपने शाइकिंग को ये बताना चाहूँगा, जोर सुबह एक ऐसे प्लेयर है जिनकी अगर हम फैन फॉलोइंग की बात करें काफ़ी हद तक उरूज पे है। फैन फॉलोइंग क्यों ना हो, क्योंकि इनने जो एक छाप छोड़ी अपने यंगस्टर्स के बीच में, इनका जो टीम कहीं पे बनता है, जहाँ पे भी हायर करते हैं टीम, इनके टीम में आप देखोगे कि युवा खिलाड़ी ज़्यादा होते हैं। सर ऐसा क्यों? बिल्कुल, जब आप एक टीम बनाने की प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है, जब लड़के छोटे लड़के खेलेंगे वही आगे बड़े होके प्लेयर बनेंगे, वो बड़े प्लेटफॉर्म पे वो परफॉर्म करेंगे। तो जब बेदी सर यहाँ पे आए थे उनने भी यही कहा था, जब आप प्रोसेस थ्रू जाएंगे तो आपको छोटे लड़के खिलाने काफ़ी ज़रूरी है। सर छोटू के साथ मेरा भी तो कभी कभार हक बनता था कि मैं भी खेलूँ। जी बिल्कुल, आपने वैसे डेब्यू किया है हमारे टीम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे जोर सोफी हमारे साथ। कम वक्त में तो इतना ही बोल सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इनके साथ एक शो होने वाला है। और मेरे साथ है उबैद हारून। उबैद हारून इज समवेयर आई थिंक सो, ये तो विकेट कीपर है, पीछे भी जाते हैं कभी आगे भी आते हैं, इनकी तो यही क्वालिटी है, स्पेशलिटी। इनका यही मानना है कि आज उनने काफ़ी वक्त के बाद टर्फ क्रिकेट का यहाँ पे देखा कि टर्फ क्रिकेट कैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर है। जुबैर ये बताओ कि आपके इलाके में टर्फ क्रिकेट हो रहा है ईदगाह में, जो हब सी है हमारी, कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक यहाँ पर खाली मैट पे खेला है। अच्छा। आज हम खेलेंगे टर्फ पे भी खेलेंगे, कि कैसा आता है इस पे मजा खेलने का वो देखेंगे। और अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, आपको नहीं लगता कि हम लोग का हक बनता है कि ग्राउंड्स का जैसे ऑर्गेनाइजर्स ख्याल रखते हैं, हमारा भी हक बनता है? जी हाँ, पूरा 100% हमको भी ख्याल रखना है ग्राउंड का, क्योंकि जब हम ग्राउंड का ख्याल रखेंगे तो फिर आने वाली जो जनरेशन है वो भी खेल सकेंगी। जब हम ग्राउंड का ख्याल नहीं रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद नहीं खेल पाएंगे हम। चलिए जी, और बताइए जी कैप्टन, कैसा लग रहा है यहाँ पे आज? हम पहले तहे दिल से शुक्रिया करते हैं उबल एंटरप्राइज का, जिसने जो हमेशा से लगभग 5-6 साल हो गए जो ये ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शहर खास के, खासकर के शहर खास के ग्राउंड में। ये बहुत बढ़िया मौका है यंगस्टर्स के लिए, जो कि आवारगी में फंसे हुए हैं, कुछ लोग गलत कामों में फंसे हुए हैं, उनको मौका देने के लिए कि वो ग्राउंड में आए, अपना मुस्तकबिल सवारे। और ये गेम ऐसी है कि इसमें फ़िट रहता है इंसान, कोई बीमारी असर नहीं करती है ज़्यादा, और इंसान हमेशा फिट ही रहता है। अगर हम फिट रहने की बात करें, फिट रहने के लिए काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आज का जो मौजू है वो है टर्फ। बिल्कुल, आपको नहीं लगता कि इससे पहले यहाँ पे टर्फ ना होने की वजह से काफ़ी प्लेयर्स को इनजस्टिस कर रहा होता? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत सफ़र किया, मगर वजह यह है कि उस टाइम मौका नहीं मिल रहा था। इसीलिए मैं पहले ही आपको बताया कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि जितने भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, कि उन्होंने ऐसा सेटअप उठाया पहली बार यहाँ पर जो है शहर खास में। एक चीज़ है, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे टूर्नामेंट की? अब्दुल्ला आपके स्पॉन्सर से खाली, मैं बताऊंगा आपको इसकी पूरी डिटेल, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का खुद भी एक मेंबर हूँ। चलिए, तो मैं बताऊंगा कि बात करते करते इनका जो कहना यही है कि अब्दुल्ला को ये ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, तब तक के लिए मुझे अलवा दे देंगे, लेकिन आने वाले वक्त में बात करेंगे। इंशाल्लाह। अगर